पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का संगम भूषण ज्वेलर्स सोलन में भूषण ज्वेलर्स 4 साल से लोगों की पहली पसंद बन गया है। अब आपको चंडीगढ़, दिल्ली, अंबाला जैसे आभूषण सोलन में ही मिल रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि अब सभी लोगों के सोना पहनने का ख्वाब पूरा हो सकेगा। इसके लिए नामात्र जमा पूंजी पर किटी खोलकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए भूषण ज्वेलर्स मौका प्रदान करता है और विवाह शादी के ग्राहकों के लिए भूषण ज्वेलर्स द्वारा विशेष उपहार दिए जाते हैं। त्योहारी सीजन में सौभाग्य उत्सव योजना के तहत ग्राहकों को इयोन कार, 5 स्कूटी और ढेरों आकर्षक उपहार दिए जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित चार्जशीट कमेटी की दूसरी बैठक शनिवार को कांग्रेस कार्यालय शिमला में हुई। बैठक की अध्यक्षता कमेटी के चेयरमैन रामलाल ठाकुर ने की, जिसमें समिति के सदस्य हर्षवर्धन चौहान, जगत नेगी, नंदलाल व विजयपाल उपस्थित रहे। रामलाल ठाकुर ने बताया कि 27 दिसंबर को भाजपा सरकार अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, लेकिन जनता सरकार के कुशासन से त्रस्त है। कांग्रेस चार्जशीट के लिए आम आदमी से लेकर ब्लॉक और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से तथ्य जुटा रही है। जो भी तथ्य जनता तथा पदाधिकारियों की तरफ से आएंगे, उनको चार्जशीट में शामिल किया जाएगा। हर विभाग में 1 साल के भीतर अनियमितताएं और घोटाले हुए हैं। मुख्यमंत्री कांग्रेस की चार्जशीट से घबराकर अनाप शनाप बयानबाजी के साथ डराने का प्रयास कर रहे हैं। चार्जशीट कमेटी की दूसरी बैठक हुई है, इसमें क्या रूपरेखा तैयार की गई है और कब तक आप ये चार्जशीट दे देंगे? मतलब इसकी रूपरेखा तो हम नहीं बताएंगे आपको, बिकॉज जब तक हमने चार्जशीट जो है सबमिट नहीं कर दी, 27 तारीख को हमने माननीय राज्यपाल महोदय को चार्जशीट जो है वो पेश करनी है वहाँ पे और फर्दर एक्शन के लिए। तब तक हमारी ये दूसरी मीटिंग है, वी आर फाइंडिंग आउट, बिना फैक्ट्स के हम कोई चार्जशीट में कोई इशू नहीं देंगे, विद फिगर एंड फैक्ट्स देंगे। पब्लिक एट लार्ज को हमने रिक्वेस्ट कर रखी है कि जिसके पास भी कोई, अगर मान लो कोई एग्रीव्ड है, वो हमारे से मिट्टी से संपर्क स्थापित करें। हमने अपने फील्ड यूनिट से जितने हमारे ब्लॉक्स हैं, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब से रिक्वेस्ट कर रखी है कि भाई आप लोगों के पास जो जो भी इस प्रकार के मसौदे हैं वो कमेटी को भेजे जाए। वी हैव रिक्वेस्टेड द MLAs, XMLAs, जितने भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको उसमें शामिल करना है। पर ये बिना फिगर एंड फैक्ट्स के हम इसमें जो है वो तवज्जो नहीं देंगे। कमेटी जो है वो फाइनलाइज वो करेगी जिसके जो हमारे पास विद फिगर एंड फैक्ट्स जो रिपोर्ट जो आएगी, उसके ऊपर रिपोर्ट देके हमने जो है उसको सबमिट करना है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा कुछ बाहर आ रहा है, मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं, कुछ हमारे लोग भी बोल रहे हैं, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो ज़्यादा रुखेपन से दे रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है, चार्जशीट की जो प्रक्रिया है, हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन का काम है कि सरकार के ऊपर नकेल कसना, अगर गलत हो रहा है तो लोगों के सामने उन तथ्यों को लेके आना और आगे इंक्वायरी मांगेंगे कि ये जो गलत हुआ है इसकी इंक्वायरी हो। तो उसमें किसी को डरने की बात नहीं है, जो ईमानदार होगा उसके ऊपर कोई आँच नहीं आती और जो बेईमान होगा वो उल्टी सीधी बातें जो है वो करते हैं। मेरा मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि चार्जशीट है, ये जो नई सुबह की बात कर रहे हैं कि नौजवान मुख्यमंत्री है, नौजवान मंत्री आए हुए हैं और नौजवान ही लोग हमारे अपोजिशन के भी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो कर्तव्य हमारा है, जो लोगों ने जिम्मेदारी दे रखी है विपक्ष को, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे और बाकायदा तौर पर मजबूती से हमारे साथी जो है उसमें लगे हैं और ये चार्जशीट 27 तारीख को हमने ये पेश कर। इसके अलावा और भी बैठकें होंगी चार्जशीट की, ये या अंतिम होगी? तो चार्जशीट बन नहीं पाएगी जो है ना, दो तीन दिन भी बैठना पड़ेगा हमको को। 27 तारीख को अगर उसको हमने कंप्लीट करना है, पेश करनी है, तो उससे पहले तो हमारे को दो तीन दिन भी बैठना पड़ेगा। दिव्य हिमाचल वेब TV के लिए शिमला से विक्रांत मदन की रिपोर्ट।